अच्छा यहाँ पे दो मस्जिदें हैं, एक मस्जिद गुमामा है ये सामने वाली जिसमें बहुत सारे गुम्बद है, और वो छोटी जो है ना वो मस्जिद अबू बकर सिद्दीक है। ये मस्जिद गुमामा जो है ना इसमें हुजूर सल्लम ने ईद की नमाज़ भी पढ़ाई है, और मैंने सुना है कि ये वो मस्जिद है जिसमें जब मदीना में बारिश नहीं हो रही थी तो यहाँ पे नमाज इस्तस्का जो है ना पढ़ाई गई थी। पहले ये बंद होती थी, चलते हैं वहाँ देखते हैं कि ये अभी खुली है या नहीं। अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ टाइम पहले खोली थी इसमें, और रिनोवेशन वगैरह कर रहे थे। अब देखते हैं जाके इसको। जो मस्जिद अबू बकर सिद्दीक है ये हुज़ूर सल्लम ने ईद की नमाज़ अदा करवाई थी, पढ़ाई थी वहाँ पर, उसको भी जाके देखते हैं कि खुली है नहीं। ये एक मतलब मदीना की समझ लें या इस्लाम की समझ लें कि बहुत पुरानी मस्जिद है। हम इस वक्त खड़े हैं मस्जिद गुमामा के सामने। अच्छा मेरा ख्याल है कि खुली हुई है लेकिन रिस्ट्रिक्शन से शायद। चलते हैं देखते हैं थोड़ा सा आगे जाके, और अगर हमें मौका मिला तो दो रकात नफल भी पढ़ लेंगे। अच्छा जी, हाँ खुली हुई है तो मैं चलता हूँ, मैं इसके अंदर जाके दो रकात नफल पढ़ता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं जो है अब मस्जिद गुमामा के अंदर आ चुका हूँ। अभी देखिए इन्होंने रेनोवेट कर लिया, पहले जो है ना ये इतना मतलब इस कंडीशन में नहीं थी इसलिए ये बंद की हुई थी, इन्होंने कुछ टाइम पहले जो है ना ये ओपन किए तो अब लोग यहाँ आ सकते हैं, लोग यहाँ ज़्यारत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो है हज़रत सल्लम ने ईद की नमाज़ भी अदा करवाई थी, प्लस मदीने में जब बारिश का वो था तो उस टाइम जो है ना हज़रत सल्लम ने बारिश के लिए भी यहाँ पर इस मस्जिद में जो है वो नमाज पढ़वाई थी, नमाज अदा करवाई थी। देखिए ये यहाँ से जाने का रास्ता एग्जिट। हम खड़े हुए हैं मस्जिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने। यहाँ आवाम का काफ़ी रश लगा हुआ है और ये बंद है, काफ़ी टाइम पहले जो है ना ये मतलब कि अब तो ये बंद हो गई है। लोग यहाँ खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर ये ओपन आता है तो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें हम ये भी इस्लाम की एक बहुत पुरानी मतलब कह लें कि मस्जिदों में शुमार होती है, बहुत पुरानी मस्जिद है। और ये आप मस्जिद नबी से बाहर की तरफ म्यूज़ियम की तरफ निकलते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरफ जो है ना म्यूज़ियम है। आप जब यहाँ बाहर निकलते हैं तो ये आपको दोनों मस्जिदें बिल्कुल सामने आपको ज़ियारत मिल जाएगी, मस्जिद गुमामा और सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ये दो मस्जिदें जो है ना आपको सामने ज़ियारत मिल जाएगी।